नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। माय नेम इज तन्वी खुराना एंड दिस इज अ वेबिनार अबाउट आईसीटी टूल्स। व्हिच इज द आईसीटी टूल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर सेशन। द टॉपिक इज क्रिएटिंग ऑनलाइन चार्ट्स यूजिंग metachart.com। वेल, हाउ कैन वी क्रिएट दीज चार्ट्स एंड हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज, how useful it is for teachers and for students, what are the tools attached to it, there are so many questions related to it. For this explanation we have in our studio our expert, and let's meet our expert. We have with us Mr. Pradeep Negi. Welcome to our show, sir. Namaskar sabhi logon ko live session mein. Namaste sir. Namaskar. So aaj hum लाइव सेशन में मेटा चार्ट डॉट कॉम के से जो हमारा टूल है उससे हम तरह तरह के अच्छे इनोवेशन चार्ट बनाएंगे और उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर है लेक्चरर इकोनॉमिक्स फ्रॉम मॉडल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज BHEL हरिद्वार उत्तराखंड से, एंड लाइक आई सेड ही विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट द टूल metachart.com। सर कैन यू हियर मी? या आई हियर यू। ओके, शैल वी बिगिन? आज हाँ, आज हम जो हमारा टॉपिक है जी, हाउ टू क्रिएट ऑनलाइन चार्ट्स जी विद metachart.com। तो हम ऑनलाइन तरीके से भी चार्ट्स का निर्माण कर सकते हैं। जो हम ग्राफ पेपर में किया करते थे उसको हम आसानी से ऑनलाइन टूल्स के मदद से बहुत ही आकर्षक रूप में इनको बना सकते हैं। तो पहले चार्ट्स के बारे में हम जानना चाहते हैं कि आखिर लेखा चार्ट्स होते क्या है। इसका हम पहले संक्षिप्त विवरण लेते हैं। चार्ट का उपयोग अक्सर आंकड़ों की अधिकता मात्रा को समझने और उन आंकड़ों के कुछ हिस्सों के बीच रिश्तों को जानने के लिए किया जाता है। लेखाचित्र को आमतौर पर उन कच्चे आंकड़ों की तुलना में अधिक तेजी से पढ़ा जा सकता है जिनके आधार पर उस लेखाचित्र का निर्माण किया गया है। विविध क्षेत्रों में इनका एक व्यापक उपयोग किया जाता है और इन्हें हाथ से बनाया जा सकता है, अक्सर ग्राफ पेपर पर या चार्ट अनुप्रयोग का उपयोग करते हुए कंप्यूटर द्वारा बनाया जा सकता है। किसी एक दिए गए डेटा सेट को प्रदर्शित करने के लिए चार्ट की कुछ विशेष प्रकार अन्य की तुलना में अधिक उपयोगी होते हैं। यह अर्थशास्त्र, वाणिज्य, गणित और विज्ञान विषय में बहुत उपयोगी है। एक लेखाचित्र की कुछ विशेषताएं होती है, आकर्षक एवं प्रभावी। चित्र के माध्यम से हम जो भी डेटा या समंक होते हैं उनको आकर्षक बना सकते हैं और वो हमारे मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। तथ्यों को सरल बनाना, जो भी जटिल डेटा होते हैं उनको हम ग्राफ के मदद से बहुत ही आकर्षक और रुचिपूर्ण बना सकते हैं जिससे हमें समझने में बहुत आसानी होती है। समय व श्रम की बचत, चित्र के द्वारा प्रदर्शित समंकों को बिना मस्तिष्क पर अधिक जोर डाले हम आसानी से किसी भी समस्या को समझ सकते हैं। इससे हमें समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तुलना करने में सहायक होते हैं। हम विभिन्न देशों के जीडीपी की अगर हम तुलना करें तो हम रेखाचित्र या लेखाचित्र जिसको बोला जाता है उससे हम ज्यादा बेहतर तुलना कर सकते हैं। अधिक समय तक स्मरणीय जो चित्र होते हैं वो डाटा की तुलना में हमें अधिक समय तक याद रहते हैं। व्यापक उपयोगिता, आप लोगों ने देखा होगा कि समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में, किताबों में, व्यापार जगत तथा सरकारी गजटों में, बैंक आदि में ग्राफ लेखा चित्रों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है।
लेखा चित्र का उपयोग कैसे करें, यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जो लेखा चित्र बनाएंगे वो हमारे शिक्षक अध्यापक तथा बच्चों दोनों उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों को चार्ट बनाने के लिए वेबसाइट की जानकारी देना बहुत आवश्यक है। विद्यार्थी वेबसाइट पर जाकर चार्ट को ऑनलाइन निर्माण कर सकते हैं और उसे अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं। विद्यार्थी को टेक्नोलॉजिकल बेस असाइनमेंट एक्टिविटी गृह कार्य दिया जा सकता है कि वो किसी एक विषय पर चार्ट बनाए और उसको उसका लिंक साझा करें या शेयर करें। विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट कार्य भी दिया जा सकता है जिसमें किसी एक विषय पर विस्तृत जानकारी दो या तीन चार्ट में बनाने को दी जा सकती है, जैसे COVID-19 का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इस विषय पे जितने भी हमारे बच्चे हैं वो इस पे बहुत शानदार प्रोजेक्ट बना सकते हैं और डाटा इकट्ठा करके उसको ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं। अध्यापक द्वारा भी विद्यार्थियों को तालिका के अनुसार लेखा चित्र बनाने में मदद कर सकता है। तो आज हम metachart.com के अधीन जो टूल्स का प्रयोग करेंगे उसमें हम कई सारे चार्ट्स को बना सकते हैं। इसमें पाई चार्ट, वेन चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, मल्टीपल बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, स्क्वायर लाइन चार्ट, पाई एंड बार चार्ट, बॉक्स एंड विस्कर, टैली चार्ट। तो ये बहुत सारे चार्ट हैं जो हम metachart.com में आसानी से ऑनलाइन बना सकते हैं। हमने कुछ चार्ट इसमें पहले से निर्मित किए हैं, उदाहरण आपको दिखा सकते हैं हम जी। हमने यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन का एक डेटा लिया है और ये हमारा डेटा है। तो डेटा हमारा ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऑनलाइन चार्ट हमने ये metachart.com में बनाया है और आप देखिए कि इसमें एक ही नजर में हमें पूरा का पूरा समझ में आ रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 1901 के बाद से 2011 बहुत तेजी से बढ़ी। ये ग्राफ में एकदम पता चल रहा है, जबकि डाटा में हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है जी। दूसरा सर, क्या आपने मेटाचार्ट में उनको बना सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं? जैसे दूसरा हमने रूप ले लिया है इसका A to Z, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर पे बना सकते हैं जी। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर पे बना सकते हैं, ओके। वर्टिकल में हम इसको बना सकते हैं, आप देख रहे हैं ये वर्टिकल रूप है इन चार्ट का जी। डेटा वही है लेकिन हम इसको कई तरह के कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद 3D में हम इसको बना सकते हैं जो बहुत ही अच्छा लगता है, और बैकग्राउंड भी हम इनका चेंज कर सकते हैं चार्ट का अकॉर्डिंग टू अवर नीड। जैसे हमारे को जरूरत है प्रेजेंटेशन की, उस हिसाब से हम बैकग्राउंड भी इसका चेंज कर सकते हैं, ओके। इसके बाद हिस्टोग्राम चार्ट भी हम इसमें बना सकते हैं, पाई चार्ट 3D, टैली चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, ओके। तो आज हम इतने सारे चार्टों में से कुछ चार्ट बनाने का ऑनलाइन या प्रैक्टिस करेंगे या हैंड ऑन प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें एक्टिविटी वन में हम एक बार चार्ट यहाँ पे आज बनाने का प्रयास करेंगे जी सर। एक्टिविटी टू, अगर समय मिलेगा तो पाई चार्ट। एक्टिविटी थ्री, मल्टीपल बार चार्ट, हॉरिजॉन्टल और टेली चार्ट, इनका हम प्रयास करेंगे कि आज हम इनको ऑनलाइन बनाएं जी सर। चार्ट बनाने से पहले हमें कुछ उनकी जानकारी बहुत जरूरी है। बार चार्ट के लिए हम लेवल जो हमारा है स्केल, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए तभी हम ऑनलाइन चार्ट बना पाएंगे। लेवल किसे कहते हैं, स्केल क्या होता है, वाई एक्सिस कहां पे आएगा, टाइटल क्या होगा, सोर्स हमारा क्या होगा, सीरीज डिटेल यहां पे आएगी और एक्स एक्सिस यहां पे आएगी जी। और ये सारा जो हम चार्ट आज बनाएंगे वो metachart.com पे आज हम यहां पे बनाएंगे। तो
सर, ये जो वेबसाइट आप हमें दिखाने वाले हैं जिसके जरिए हम मेटा चार्ट यूज कर रहे हैं, क्या ये वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट है या आपने इसका कुछ लाइसेंस परचेज किया है? नहीं, ये साइट फ्री ऑफ कॉस्ट है. ओके. और इसको हम आसानी से इसमें आप रजिस्टर करेंगे तो आपको इसमें क्लाउड स्पेस भी मिलेगा, आप चार्ट भी सेव कर सकते हैं. अच्छा. इसमें कोई चार्जेस नहीं है. ओके. सर, क्या आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ और हमें दिखा सकते हैं? हाँ, अब मैं आपको फिर इसमें स्क्रीन शेयर करता हूँ. जी. सर, तो एक चीज और, क्या हम हर सब्जेक्ट के लिए ये काम आ सकते हैं? क्योंकि चार्ट्स तो हर सब्जेक्ट में होते हैं, बीट मैथ्स या साइंस सब में होते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हम चार्ट बना सकते हैं इसमें? हाँ, किसी भी सब्जेक्ट पे आप चार्ट बना सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चार्ट ऐसे होते हैं जो अभी उतने अवेलेबल नहीं है. अच्छा. जो चार्ट इसमें अवेलेबल हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली वही चार्ट इसमें अवेलेबल हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं. सर, कितने तरीके के चार्ट्स हैं, कोई नंबर है? इसमें कम से कम इसमें 12 किस्म के चार्ट्स हैं. 12. ओके. 12 किस्म के चार्ट्स हम इसमें बना सकते हैं. जी. सर, क्या अपनी स्क्रीन आप शेयर करेंगे हमारे साथ? तो यहां पर हम सबसे पहले गूगल में या क्रोम ब्राउजर में जी मेटा dashchart.com लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे को लिंक प्राप्त होगा. जी. जैसे हम इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी हमारी. ओके. तो ये वेबसाइट हमारी यहाँ पे खुल गई है और इस वेबसाइट में ऊपर होम मेन्यू चार टाइप्स दे रखे हैं. इसमें जितने चार्ट्स हम बना सकते हैं जी, पाई चार्ट जो मैंने आपको पहले बताया था वो सारे चार्ट इसमें असाइन है यहाँ पे जी. रजिस्टर हम अगर हम फर्स्ट टाइम करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू यहाँ पे खुलेगा जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और ईमेल आएगा. जी. जब आप ये सब कर लेंगे तो आपके पास ईमेल में जो मैसेज आएगा वहां पे आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तब आप रजिस्टर्ड होंगे. ओके. तो मैंने पहले से ही इसको लॉगिन किया हुआ है तो जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा जी तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉग मेरा नाम आ रहा है, पासवर्ड आया, मैं इसको केवल सबमिट करूंगा. तो यहाँ पे ये मेरा डैशबोर्ड खुल जाएगा. जी सर. क्या तो ये मेरा डैशबोर्ड खुल जी सर, हम देख सकते हैं आपका डैशबोर्ड खुल गया है. क्या हम सिर्फ लॉगिन अपनी डिटेल्स डाल के ही कर सकते हैं या हम गूगल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट यूज करें तो भी कोई भी आपका ईमेल अकाउंट, कोई भी ईमेल अकाउंट. ओके. चाहे आपका रेडिट मेल में हो, गूगल में हो, चाहे याहू में हो, किसी में भी हो, आप उसको कर सकते हैं. ओके. तो यहाँ पर जो मेरा डैशबोर्ड खुला है इसमें अनऑथराइज अनकैटेगराइज लिखा है, मैंने अभी इसको लेबल नहीं किया. ये जो जितने भी मैंने चार्ट बनाए वो यहाँ पे सेव है और ये जो चार्ट सेव होते हैं ये जो हम टाइटल देते हैं ग्राफ का उसी के नाम से सेव हो जाते हैं, अलग से हमें उसको सेव करके लिखना नहीं होता है, केवल टाइटल के नेम से ये सेव हो जाते हैं. अब हम कोई भी एक्टिविटी लेते हैं, पहली चार्ट हम बनाएंगे तो हम बार चार्ट ले लेते हैं आज. तो जैसे हम क्लिक करेंगे बार चार्ट को तो हमारे पास हर चार्ट के लिए अलग अलग एंट्रीज हो सकती हैं, डिजाइन, डेटा, लेबल्स और डिस्प्ले. तो एक एक करके हम इन्हें पूरा करते जाएंगे तब हमारा लास्ट में डिस्प्ले चार्ट बने.
तो डिफॉल्ट इसमें वर्टिकल और नॉर्मल पहले से ही असाइन होता है। तो हमने बार चार्ट को चूज किया है और उसको हम हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, थ्री डी भी बना सकते हैं, हम इसको बाद में भी कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर्स हो गया, बैकग्राउंड हो गया। तो जैसे हम डेटा एंट्री करेंगे, तो मैंने आपको पहले एक दिखाया था कि मैं टॉप थ्री इंडियन स्टेट हैविंग हाईएस्ट जीडीपी जी, जिसके मैंने डेटा विकिपीडिया से लिए। तो हमने तीन स्टेट का मैंने बताया था, तो हम तीन स्टेट के लिए तीन नंबर यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितने नंबर हम क्लिक करेंगे उतनी फील्ड यहाँ पर आएंगे जी। ये आप 3 से लेके 200 फील्ड तक इसको एंट्री कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 फील्ड लिया, जैसे फर्स्ट फील्ड में मैं लिखूंगा महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र की वैल्यू थी 29.70। इसके बाद है तमिलनाडु, इसकी वैल्यू है 17.25। और लास्ट है गुजरात, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 17.01। अब यहां पे सीरीज डिटेल है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें चार्ट के बारे में ये पूरा बताएगा कि इस चार्ट में कहां-कहां पे क्या लेवल आ सकते हैं। तो इंटर सीरीज नेम हम डालेंगे, हमने स्टेट के नेम लिए हैं तो हम इसलिए ले लेंगे स्टेट नेम। जैसे हम स्टेट नेम ले लेंगे, एडवांस मोड ये ऑफ है, हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो यहां पे स्केल आएगा, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि स्केल हमें सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच में स्केल बनाना है। तो 29 तो हम ऐसे यहां पे संख्या ले कि हमारा जो बार डायग्राम है वो ज्यादा बड़ा ना हो और ज्यादा छोटा ना हो, तो ऐसा स्केल लेना है जो हमारे लिए एकदम फिट बैठता है। तो हम इसको 5 ले लेते। तो जैसे हमने 5 ले लिया, हमारा डेटा पूरा हो गया। अब यहां पे आते हैं कलर ऑप्शन। अगर आपको लग रहा है हमें कोई कलर पसंद नहीं आएगा या हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और कोई भी हम कलर इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम ब्लू ले लें, ये ब्लू कलर हो गया। अब हम वापस चलते हैं ऊपर और लेबल्स में आते हैं, हम लेबल्स इनको भरेंगे। तो ग्राफ का टाइटल है टॉप 3 इंडियन स्टेट हैविंग हाईएस्ट जीडीपी। और सोर्स हमारा क्या है, हम इसको लिख देते हैं विकिपीडिया। विकिपीडिया से हमने ये डेटा लिया है। अब वाई एक्सिस लेवल में हम इसको लिख सकते हैं जीडीपी इन लैक्स। जीडीपी इन लैक करोड़। Y एक्सिस में हमें कुछ नहीं देना है क्योंकि हमारे पास ना तो किलोमीटर है ना सेंटीमीटर है, कस्टम में हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और Y एक्सिस को भी हमें अभी कुछ नहीं देना, हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं जब हमें जरूरत हो। इसके बाद हम इसमें टाइटल और सब टाइटल का जो फॉन्ट है, जो हेडिंग हमारी आएगी सबसे ऊपर आएगी हेडिंग, ये जो हमारी टाइटल आएगी हेडिंग, उसको हम कलर फुल या किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं, वाई एक्सिस को भी और सीरीज को भी। तो यहां पर आके हम सबसे पहले कोई भी कलर ले लेते हैं, जैसे हमने रेड ले लिया और इसका फॉन्ट हम टाइम्स न्यू रोमन ले लेते हैं और फॉन्ट साइज हम इसकी 20 ले लेते हैं। यह साइज आ गया यहां पे।
इसी प्रकार हम जो एक्सिस लेवल है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, कलर इसको हम ब्लू ले लेते हैं और इसको भी हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 14 कर लेते हैं। इसके बाद आता है बार डेटा लेवल, जो बार होते हैं उनके ऊपर आ सकते हैं, तो इसको हम ब्लैक ही रहने देते हैं और इसको 14 कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया लेबल। अब हम डिस्प्ले में जाएंगे तो हमें ये चार्ट डिस्प्ले होगा। तो ये देखिए आप कितना यहाँ पे सुंदर हमारा चार्ट बना है, बार डायग्राम। यहाँ पे जीडीपी लैक्स करोड़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात यहाँ पे आ गया है, स्टेट्स के नेम भी यहाँ पर आ गए हैं और हमारा हेडिंग भी यहाँ पर आ गया। हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में हम इसको देख सकते हैं, जैसे डार्क ब्लू अगर हमें देखना हो, डार्क ग्रीन, ग्रे लाइट, जैसे भी हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद इसमें शॉर्ट है ओरिजिनल, ओरिजिनल जो हमारा बार डायग्राम है डिफॉल्ट है, ये पहले से हमारा बना हुआ है डिफॉल्ट है। इसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पे क्लिक किया तो ये छोटे से बड़ा हो जाएगा और जैसे हमने इसको डिसेंडिंग किया ये बड़े से छोटा बन जाए। तो इसको हम ओरिजिनल में रख लेते हैं। अब यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक्सपोर्ट एस, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीएनजी फॉर्मेट में, एसवीजी, जेपीजी और पीडीएफ फाइल। तो मोस्टली हम लोग जेपीजी की ज्यादा जरूरत होती है, तो हम जेपीजी में करेंगे तो इमेज फाइल बन जाएगी और हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड तो ये हमारे सिस्टम में, मशीन में या कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे फाइल आ गया metachart.png। और अगर हम इसको सेव करते हैं, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो क्लाउड सेविंग होती है metachart.com वहां जाके सेव हो जाए। सर ये क्लाउड की जो सेविंग है इसमें कोई लिमिट है? इसके बारे में अभी मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें फिलहाल तो अभी कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन या ऑप्शन नहीं आया कि आप कितने सेव कर सकते हो। तो अभी हमने बहुत ज्यादा इस पे यूज नहीं किया है, कम से कम 20-30 चार्ट हमने बनाए हैं, तो अभी अभी लिमिट हमें पता नहीं है कि अनलिमिटेड है कितना है, लेकिन फिलहाल इसमें फ्री ऑफ साइड है और इसमें कोई भी अभी पैसे का कोई वो नहीं है ना, इसमें कॉपीराइट इश्यू है। तो ये था और हम इसको यहाँ पे अपने उसमें चेक कर सकते हैं, जैसे हम इसमें नेगी में क्लिक करेंगे डैशबोर्ड में, फिर यहाँ पे ऑन ऑफ कैटेगराइज फोल्डर में यहाँ आ जाए। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है, हमने दोबारा इसको बनाया, तीसरी बार हमने इसको बनाया तो ये तीन बार यहाँ पे आ चुकी है फाइल। अब हम एक जो एक और इसको हम एक और चार्ट ले लेते हैं, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के जो लेवल होते हैं थोड़े अलग होते हैं और इसकी डेटा भी थोड़ा अलग टाइप की होती है। तो यहां पर प्लेन और नॉर्मल पहले से ही है डिफॉल्ट। तो जैसे हम इसमें कोई भी एक डेटा ले लेते हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अपने स्कूल में कितने बच्चों की स्ट्रेंथ है, 6 से लेकर 12 क्लास की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो मुझे 7 नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं 7 क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं 7 क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये 7 आ जाएंगे सारे नेम्स। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ 6th क्लास, इसकी वैल्यू जैसे मैंने लिख दी 35, इसके बाद आ गया आपका 7th क्लास, इसकी वैल्यू हो गई जैसे 50, इसके बाद आ गया आपका 8th क्लास, इसकी वैल्यू हो गई 62, इसी प्रकार
एट क्लास, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 6 7, अच्छा 7 2 हो गए, इसको हम 8 कर लेते हैं, 8 और ये 9, इसकी वैल्यू होगी 130। और एक और हम इसमें लेते हैं 10th क्लास, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 100। इसके बाद 11th क्लास, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 90। और लास्ट में हमारा पास हो गया 12th क्लास, और इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 80। तो हमने सारी फील्ड भर दी। अब इसमें एक चीज देखेंगे, जितनी ज्यादा फील्ड होगी उतने कलर कॉम्बिनेशन में अंतर आ जाएगा। तो हम इसको चाहते हैं कि इसका कलर थोड़ा अलग हो, क्योंकि दो ग्रीन, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से वायलेट ले लेते हैं। तो वायलेट कलर थोड़ा अलग हो गया, और यहाँ पे भी आपको लग रहा है येलो थोड़ा कलर मैचिंग कर रहा है, तो हम इसको या तो डार्क रेड ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे चेंज कर लिया। सीरीज डिटेल लिख देते हैं, क्लासेस नंबर ऑफ क्लासेस लिख देते हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ क्लासेस या नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख सकते हैं, क्लासेस ठीक है। उसके बाद सीरीज यूनिट हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें किलोमीटर केजी लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लेबल्स में चले आते हैं। टाइटल का नेम हम यहां लिखते हैं, लिख सकते हैं नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। सोर्स हम लिख सकते हैं, हमें कहां से ये डेटा मिला, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन लिख सकते हैं हम जी। अब यहाँ पे एक चीज है कि इसका जो डेटा लेबल है वो थोड़ा अलग टाइप का होगा, कि हमें क्या चाहिए, इसमें हम क्या दिखाना चाहते हैं। नेम और वैल्यू दोनों चीज आए, क्लास प्लस उनकी स्ट्रेंथ, या केवल वैल्यूज आए, या केवल नेम आए, या केवल परसेंटेज आए, नेम या परसेंटेज आए, या नेम वैल्यू और परसेंट आए। इसमें हमें सबसे ज्यादा फायदा यह कि इसमें नेम भी आएगा, वैल्यू भी आएगी और परसेंट भी आएगा। दूसरा इसमें फिर वही है कि टाइटल सबटाइटल को हम फिर चेंज कर सकते हैं, कलर रेड ले लिया और इसको हमने डिफॉल्ट 20 ले लिया, और एक्सेस लेवल हम ब्लैक ही रखते हैं, इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको हम 16 रख देते हैं। तो हमने लेवल्स भर दिए। अब हम इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा पाई चार्ट कितना सुंदर कलर का बना है, और पूरी जानकारी आ गई 9th क्लास में हमारे कितने बच्चे हैं 90, और परसेंट भी आ गया उसका कितना परसेंट है जी, ऐसा 80 14.6, इस प्रकार ये सब चीज आ गई है वर्क। और यहाँ पे हमारे पास सीरीज भी आ गई क्लास के साथ, 6 से लेकर 8, जो हर कलर को अलग अलग दिखा रही है। इसको हमने फिर बताया था कस्टम सेटिंग में जाके अलग अलग कलर में भी देख सकते हैं, बैकग्राउंड डार्क ग्रीन या लाइट ग्रे लाइट में हम इसको देख। अब हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, डिजाइन में जाके हम इसको 3D मोड में भी देख सकते हैं, प्लेन एंड 3D मोड। तो हम यहां के फिर डिस्प्ले में जाएंगे, तो ये तो ये अभी ना इस तरह दिखा रहा है, क्योंकि ये 3D मोड में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने ये दूसरा ऑप्शन लिया हुआ है, हमें कस्टम सेटिंग मोड में आए, तो ये 3D मोड में आए। तो ये हमारा जो आप उसको कस्टमाइज करके किसी भी मोड में चेंज भी कर सकते हैं जी। अगर हमें फोटो लेना है इसमें,
तो हम इन दो मोड पे भी इसको कस्टमाइज करके देख सकते हैं किस तरह दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम इसमें जो हम ग्राफ बना रहे हैं, केवल हम डेटा एंट्री को अगर हम आगे पीछे करें तो ये पूरी की पूरी चेंज होती जाएगी और हम इसको हम कस्टमाइज करते जाएंगे और आसानी से हम इसको सेव कर सकते हैं, जो कि हम ग्राफ पेपर में नहीं कर सकते जी। ग्राफ पेपर में अगर आपका एक बार कोई चीज गलत हो गया तो उसको काट के फिर हमें नया ग्राफ पेपर बनाना होता है, और कलरफुल अगर हम ग्राफ पेपर बनाएंगे, कलरफुल अगर हम कोई भी ग्राफ बनाएंगे तो कम से कम 15-20 मिनट हर लगते हैं उसे बनाने में। ओके, और कोई चीज अगर गलत हो गई तो ठीक नहीं हो पाए जी। सर आप इसे साथ साथ में सेव करते हैं या ये ऑटो सेव होता रहता है क्लाउड में? नहीं, ऑटो सेव नहीं होता है, जब तक आप इसको सेव नहीं करेंगे सेव नहीं होगा। यहाँ से हम सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और अगर हम यहाँ से डाउनलोड करें तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो डाउनलोड करके हम अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं जी। और अगर हम कंप्यूटर में नहीं करना चाहते, क्लाउड सेविंग करना चाहते हैं, तो आप इस सेव का ऑप्शन कर सकते हैं और यहाँ से सेव भी कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में जी, किसी भी सोशल मीडिया में आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। ओके, हम इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर सकते हैं? हाँ, शेयर कर सकते हैं, या बच्चों कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए, डिजिटल उनको कोई काम दे दिया जाए, जैसे वर्ड में या एक्सेल में, या आप किसी भी ओपन सोर्स या किसी में भी काम दे सकते हैं बच्चों को, तो उसमें वो शेयर कर सकते हैं। आप उनको व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हैं इमेज फाइल बना के, आप फेसबुक में डाल सकते हैं, उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा। एक्टिविटी दे सकते हैं, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा टूल है जी, और रिसर्च करने के लिए भी बहुत अच्छा टूल है कि बच्चे रिसर्च करें, पहले डाटा ढूंढे नेट से और उसके बाद उस डेटा को फिर ग्राफ में कन्वर्ट करें। okay. तो बहुत ही अच्छा टूल है। तो इसमें हम एक और टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जी, जो मोस्टली टेली चार्ट का यूज हम करते हैं मोस्टली इकोनॉमिक्स में और कॉमर्स में, ज्यादातर टेली चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है जी। तो हम एक टेली चार्ट का बना के देखते हैं कि किस तरह हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो टेली चार्ट के लिए हमें सबसे पहला बैकग्राउंड हमें व्हाइट ही रखा हुआ, ब्लैक चाहे तो हम इसको बदल सकते हैं, बाद में भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो एक डेटा ले सकते हैं, जैसे हम अपनी क्लास में ग्रेड, बच्चों के जो मार्क्स आते हैं ग्रेड ए बी सी डी ई तक ग्रेड होते हैं, तो हम 5 स्लाइसेस इसमें कर सकते हैं, 5। तो हमने 5 ले लिए, तो जैसे हम ग्रेड 1 कर सकते हैं कि ग्रेड 1 में हमने कोई जैसे एग्जाम लिया बच्चों का, तो कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए। तो ग्रेड ए में जैसे हम करेंगे, तो सपोज ग्रेड ए में हमारे 4 बच्चों के ए ग्रेड आए, उसके बाद बी ग्रेड में हमारे 7 बच्चों के बी ग्रेड आए जी, सी में हमारे यहाँ 23 आए, डी में 6 और ई ग्रेड में वैल्यू आएगी यहाँ पे 3। तो हम वैल्यू को यहाँ से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें कलर 2 ग्रीन एक जैसे हो गए, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, कलर डार्क ब्लू ले लिया। तो यहाँ सारे अब कलर अलग अलग हो गए हैं। अब हम इसमें लेबल्स में जाएंगे और टाइटल लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लिख देंगे स्टूडेंट ग्रेड्स। ये लिख दिया हमने जी, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। और एरियल हमने ये इसको हम ले लेंगे जैसे 20 हमने ले लिया। तो ये जो टेली चार्ट है ये आपके सामने बनकर आ जाएगा, ये देखिए ये बहुत ही अच्छा बना। ये इकोनॉमिक्स में अधिकतर एक्टिविटी हम कराते हैं बच्चों से, तो बच्चे कॉपी में बनाते हैं, तो हम यहाँ पे भी उनको दे सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट बनाए या
कोई एक्टिविटी असाइन कर दे तो उसको इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेड आ गए और ये टेली मार्क्स आ गए, देखिए 5 और 2 7। इसी प्रकार 20+3 23, 5+1 6। तो ये बहुत आसान है और कॉपी में इसको बनाने में काफी समय लगता है, लेकिन ऑनलाइन देखो कितने ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट या 3 मिनट में आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हो। और इसकी बैकग्राउंड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जैसे आपको जिसमें अच्छा लगे वो देखने। ओके, तो ये था आपका एक और शानदार ये टेली चार्ट। जी सर, आपने ऑनलाइन यूज करने के लिए तो बताया, लेकिन क्या हम इसे ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ये ऑफलाइन नहीं हो सकता, ये इसमें ये ऑफलाइन नहीं है, ये केवल ऑनलाइन बेस्ड है। ओके, ऑनलाइन आप इसमें बना सकते हैं और उसके बाद आप सेव कर सकते हैं उसको अपने जो भी आपने इसमें चार्ट में। जी ओके सर, और अगर इसका कोई ऐप हम डाउनलोड करना चाहें तो ऐसा कुछ है? ऐप के बारे में अभी मैंने इसको देखा नहीं है क्योंकि हो सकता है कि ऐप में भी अवेलेबल हो, और फिलहाल तो अभी मोस्टली हम कंप्यूटर में ही इसको करते हैं काम। ओके, क्योंकि अभी मोबाइल में हमने देखा नहीं, अब देखेंगे इसको कि मोबाइल में भी इसका ऐप है कि नहीं। जी ओके सर, तो एक और हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक और चार्ट, ये मल्टीपल बार चार्ट जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मल्टीपल बार चार्ट। तो मल्टीपल बार चार्ट के लिए हम वर्टिकल डिफॉल्ट इसको ले लेंगे, तो पहले हम इसी को बनाते हैं, बाद में हम डिजाइन और देख लेंगे इसके। तो डेटा, अब मल्टीपल बार में जैसे हमें स्ट्रीम, हमारे स्कूल में आर्ट साइंस और कॉमर्स 3 स्ट्रीम है, तो उसका अगर हमें मल्टीपल बार डायग्राम बनाना होगा तो कैसे बनेगा? तो उसके लिए हमें सबसे पहले ग्रुप डिसाइन असाइन करने पड़ेंगे, हमारे 3 है, आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, तो हम 3 लेंगे, हमने 3 ले लिए। जी अब हम गर्ल्स और बॉयज को डिवाइड करेंगे कि हमारे कितने गर्ल्स ने साइंस लिया और कितने गर्ल्स ने साइंस में, कितने बॉयज है और कितने गर्ल्स है, ऐसी आर्ट्स में कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है और कॉमर्स में कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है, तो इसको हम इसमें बनाएंगे। तो हमें नंबर्स 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जी तो इसमें 3 ग्रुप हमारे बन गए और हर ग्रुप के 2-2 नंबर, हर ग्रुप के 2-2। जी तो इसमें जैसे ग्रुप ए में हम लिखते हैं आर्ट्स, दूसरे में हम लिखते हैं साइंस और हम तीसरे में लिखते हैं कॉमर्स। अब 3 हमने ग्रुप बना दिए, आर्ट साइंस एंड कॉमर्स। अब हम पहले ले लेते हैं बॉयज और दूसरे में गर्ल्स। अब आर्ट्स में कितने बॉयज हैं? जैसे आर्ट्स में हमारे 10 बॉयज हैं, तो हम यहां से भी लिख सकते हैं 10। और गर्ल्स कितनी है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं जैसे 23। अब हम साइंस के ग्रुप में आ जाते हैं, साइंस में कितने बॉयज हैं, 15, और गर्ल्स कितनी है, 10। जी कॉमर्स में 13 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स। तो ये हमने यहां पे इनको बनाया है, फील्ड हमने, डेटा हमने इनमें पूरा भर दिया है। जी इसके बाद हम एडवांस में भी हमें इसे देखना पड़ेगा, एडवांस हम ये देखेंगे कि हमारी सबसे जो छोटी संख्या और बड़ी संख्या कौन सी। तो सबसे हमने जो हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज है वो 5 है और हाईएस्ट हमारी 23 है। जी। तो हम इसमें डिफरेंस ऐसा लेंगे तो ज्यादा लंबे बार ना बने और ज्यादा छोटा भी ना बने।
तो हम इसको टू ले सकते हैं, टू में हम इसको बना सकते हैं जी। तो इसके लिए हमने टू ले लिया लेबल्स। अब हमें वही ग्राफ का टाइटल लिखते हैं इसको, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, सोर्स हम वही लिखते थे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके सर, ये डेटा मेंशन करना कंपलसरी होता है? नहीं, ये तो हम अपने सीख रहे हैं, इसको सिखा रहे हैं बच्चों को कैसे आप इसको बना सकते हैं। ओके अगर ऑथेंटिक आप डाटा लोगे उसको भी आप बना सकते हो और उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने स्कूल में लगा सकते हो, डैशबोर्ड में लगा सकते हो, डिस्प्ले बोर्ड में लगा सकते हो। कलरफुल कलरफुल आपको प्रिंटर चाहिए जिसमें आप कलरफुल इस चार्ट बना के लगा सकते हो और बहुत आसान है। तो वाई एक्सिस में हम लिख देते हैं इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट, वाई एक्सिस और एक्सिस की हमें जरूरत नहीं है। टाइटल फिर वही हम किसी भी कलर में ले सकते हैं टाइटल जी। सिटी ले लिया और एरिया की जगह हम कोई भी फॉन्ट और ले लेते हैं। एक्सिस लेवल में भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं 16, और कलर हम इसको कर देते हैं और इसको हम ब्लैक ही रखते हैं और इसको हम 14 कर देते हैं। इसमें एक और है लेवल रोटेशन, अगर आपको लग रहा है कि आपकी फील्ड काफी बड़ी हो रही है तो हम उसको 45 डिग्री में भी सेट कर सकते हैं और 90 पे भी कर सकते हैं। इसको हम 45 करके देखते हैं तो आपको दिखेगा किस तरह ये लेवल रोटेशन होता है। अब हम इसमें डिस्प्ले में जाके इसको देखेंगे कि किस प्रकार डिस्प्ले होता है। तो ये कंपैरेटिव चार्ट है, आप यहां देख रहे हो ये कंपैरेटिव है जी। गर्ल्स और बॉयज, बॉयज ग्रीन कलर में और गर्ल्स आपकी ऑरेंज कलर में है। कंपैरेटिव हो रहा है कि आर्ट्स में अगर 10 लड़कियां हैं और 23 लड़के हैं, नहीं 10 लड़के हैं 23 लड़कियां, ऐसी साइंस में बॉयज हो गए आपके 50 और गर्ल्स हो गई 10 जी। ऐसी आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं 13 और 5। आप इसमें और भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे आपको ज्यादा किसी की कंपैरेटिव करना स्टडी करना तो और भी आप यहाँ दिखा सकते हैं जी। और मैंने कहा था ये अगर हमारी कोई फील्ड कोई हमारा नेम बड़ा होता है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं और 45 एंगल में भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। इसको हम चेंज करके देखते हैं दोबारा, जो हमारा ये 45 भी आता अगर हम इसको 90 करते हैं तो किस तरह दिखेगा जी। ये इस प्रकार आएगा, ये इस प्रकार आ जाएंगे। ये तब हम यूज करते हैं जब हमारी फील्ड बहुत ज्यादा होती है और हमें स्पेस कम मिलता है लिखने को, तो हम उसको ऐसे हॉरिजेंटल में लिख सकते हैं जी। हर एक के लिए बहुत सारे अगर हमारे ग्राफ बनेंगे, इसको फिर हम चेंज कर देते हैं, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा, इसको हम जीरो कर देते हैं। आप देखें जीरो करके कैसे दिखाई देगा, ये इस तरह दिखाई देगा। तो यहां पे अभी हमारे जो बार हैं वो कम है तो हम उसको इस तरह भी दिखा सकते। तो ये था आपका, मल्टीपल बार डायग्राम। और इसको अगर हमें दूसरे डिजाइन में देखना है, हॉरिजॉन्टल में अगर हमें देखना है इसको, तो कैसे दिखेगा ये, इस तरह दिखाई देगा हॉरिजॉन्टल। इसको फिर हमें दोबारा हम चेक करते हैं, अगर हमें इसमें देखना है तो
ये इस तरह दिखाई दे, और इसका हम जो बैकग्राउंड कलर है ये लेजेंड पोजीशन बॉटम, लेजेंड पोजीशन को भी हम लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, टॉप राइट टॉप लेफ्ट कर सकते हैं, जैसे मैं लेफ्ट किया जी तो डिस्प्ले हम देखते हैं ये यहां पर आ जाएंगे, जो लेजेंड हमारे नीचे थे हम यहां कर सकते हो या हम यहां भी कर सकते हैं, जैसे हमें उसकी आवश्यकता है उस अनुसार हम उसको चेंज कर सकते हैं। जी सर, जैसे ये चार्ट्स हैं, चार्ट्स टीचर्स बनाकर अपना सब्जेक्ट बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना? इसी तरह अगर टीचर्स स्टूडेंट्स को एक्टिविटी देना चाहें जैसा कि आपने बताया, तो वो बच्चों को समझाने के लिए उनको कह सकते हैं कि बच्चे भी ये बनाना ट्राई करें। हाँ, बहुत अच्छा एक्टिविटी है, क्योंकि इससे बच्चों में क्रिएटिविटी होगी कि मैं कितना अच्छा बना सकता हूँ। जी, उनको क्वेश्चन दे दिया जाए कि उनको टेबल दे दिया जाए या उनको रिसर्च वर्क दे दिया जाए कि आप ये इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर एक मेरे को बार डायग्राम चाहिए कम से कम पूरे 100 सालों का, तो बच्चे उसमें रिसर्च करेंगे, पॉपुलेशन वाले डाटा डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उन डाटा को देखकर अच्छे अच्छे वो ग्राफ बना सकते हैं, बहुत अच्छे ग्राफ बना सकते हैं। ओके, तो सर बाहर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, और आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं तो आई एम श्योर कुछ बच्चों को अभी समझ में आया होगा, तो वो भी ये जरूर यूज करना चाहेंगे। हाँ, मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, जो बच्चे सिक्स्थ, इवन आप देख रहे होंगे कि सिक्स्थ क्लास से ही ये चार्ट बच्चों को बनाने के लिए आ जाते हैं, और उन चार्ट के साथ साथ उसमें कई सारी रीजनिंग भी आती है। जब बच्चों को चार्ट बनाना अच्छी तरह से आ जाएगा तो वो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व भी वो आसानी से कर सकते हैं। जिन बच्चों को चार्ट समझ में नहीं आता है तो वो उनके आंसर भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो 6 to 12 जितने भी बच्चे हैं, चाहे साइंस के हों या मैथ्स के हों या कॉमर्स के हों या आपके इकोनॉमिक्स के हों, उनके लिए चार्ट बहुत जरूरी है, और खासकर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में तो बहुत ज्यादा, बिजनेस स्टडीज में तो बहुत ज्यादा चार्ट की जरूरत पड़ती है। जो हमारे बिजनेस है, जो प्रेजेंटेशन वहां दिया जाता है, वो सारा चार्ट बेस्ड होता है। ओके, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो भी प्रेजेंटेशन होता है चार्ट बेस्ड होता है। इसके साथ साथ हमारे टेलीविजन में जितने भी सोशल मीडिया है या टेलीविजन है, वहां पे जब भी आप देखते, जब हमारे इलेक्शन होते रहते हैं, तो तरह तरह के वो चार्ट करके दिखाते हैं उसमें जी, कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है, किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं जी। तो डेटा के बजाय वो ग्राफ में ज्यादा दिखाते हैं, और उसमें हमें समझने में बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, स्टेट वाइज दिखाते हैं लोग। ओके, और विधानसभा में, वो लोकसभा में कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, वो बहुत अच्छा ग्राफिक उसमें होता है उन लोगों। तो वो जो न्यूज चैनल्स पे हमें दिखाया जाता है, वो भी यही वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं? नहीं, अब ये तो हमें उनके अपने सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा, क्योंकि न्यूज चैनल वाले थोड़ा हाई लेवल होता है उनका बहुत ज्यादा। ओके, तो वो ये हाई लेवल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जी। बहुत ज्यादा हाई, जो पेड वर्जन, क्योंकि बहुत सारी साइट ऐसी हैं जो आपको ग्राफ देंगी जी बनाने के लिए, और बहुत सारे उसमें ग्राफ और अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो एक समय के बाद आपसे पैसा मांगेंगे या कुछ ना कुछ डिमांड जरूर करते हैं। वो जी फ्री में नहीं देते कोई भी चीज, या तो उनके ग्राफ के ऊपर ही लोगो बनकर आ जाएगा, या कुछ दिनों के बाद वो आपसे उसका पेड वर्जन मांगेंगे, पेड बोलेंगे कि इसको एक्टिवेट कराइए। ओके, तो सर मेटा चार्ट के साथ ऐसा नहीं है, ये नहीं, इसका कोई ट्रायल वर्जन नहीं है, इसका परमानेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, अवेलेबल है। हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ट्रायल वर्जन नहीं है इसका, और आप इसमें बना के ट्राई कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, और जैसा कि आपने बताया कि कुछ बाकी की वेबसाइट्स होती है, उसमें वो लोग अपना लोगो अटैच कर देते हैं, क्या मेटा चार्ट भी अपना लोगो अटैच करता है? इसमें बहुत छोटा सा किनारे पे एक आता है, बनकर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए
और सर जब आपने सेव किया तो वो आपके डाउनलोड्स में इजीली सेव हो गया? हाँ वो सेव हो जाता है। ओके और ये देखिए यहाँ पे बहुत छोटा सा आएगा metachart.com, यहाँ बीच में नहीं आएगा था इसलिए भी, जैसे और जो आपके वेबसाइट होते हैं जहाँ पे आप बनवाएंगे इस तरह, तो बीच में या तो बीच में लिख कर आता है लोगों उनका या कहीं पे आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। okay. इसमें तो केवल एक छोटा सा नीचे आ रहा है तो इसमें ऐसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी सर, क्योंकि अब हमारे पास 2 ही मिनट रह गए हैं इस वेबिनार को रैप अप करने के लिए, आप कोई सुझाव देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, बच्चों को जो कि metachart यूज करके इस्तेमाल करके अपने ही सब्जेक्ट्स के लिए चार्ट बनाएंगे, तो कुछ मैसेज? हाँ मैं अपने साथी अध्यापकों को तथा बच्चों को दोनों को यह सुझाव दूंगा कि आप इस टूल्स का इस्तेमाल करके देखें तो आपको बड़ा मजा आएगा जी। आप डेटा को चेंज करके देखेंगे तो चार्ट बदलता जाएगा, जिसमें आपको मजा आएगा करने में, कि कभी 3D करेंगे आप उसको, कभी आप उसको कलर चेंज कर सकते हैं, कभी आप उसको ब्लैक बैकग्राउंड में, ब्लू बैकग्राउंड में या ग्राफिक बैकग्राउंड में उसको देख सकते हैं। और अपने जो आपकी स्टडी है उसमें जो अगर ये चार्ट आते हैं तो आप उसको बना के देखिए, क्योंकि अगर आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा। प्रैक्टिस के लिए, हैंड ऑन प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन साइट बहुत अच्छी है टूल्स के लिए, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, आपको कोई एरर नहीं आएगी, गलती नहीं होगी। जबकि आप कॉपी में बनाएंगे तो गलती भी हो सकती है, और कम से कम ऑनलाइन में डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कोई एरर आएगी, अगर गलत करोगे तो वहीं पे एरर शो करेगा जी, फील्ड ज्यादा हो गई या फील्ड छोटा ले लिया आपने, तो काफी बेनिफिट है इस साइट से कि हम अपना एक इसको टूल्स के रूप में इस्तेमाल करें और इससे हम रिलेटिव बच्चों को शेयर करें अच्छे अच्छे चार्ट बनाकर। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज ज्वाइन किया इस वेबिनार में और हमें metachart के बारे में बताया, कुछ नया था जो आपने सिखाया और हमने सीखा भी। आई एम श्योर जो हमारे दर्शक हैं, अध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी को ये बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, धन्यवाद सभी का जी। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम देखा, आपने पसंद किया, आप हमारे साथ जुड़े रहिए किशोर मंच के साथ और देखते रहिए हमारे ये कार्यक्रम, क्योंकि ये आप ही के लिए लाभदायक होंगे। थोड़ी देर में हम वापस आने वाले हैं एक और कार्यक्रम के साथ जिसका शीर्षक होने वाला है मेकिंग योरसेल्फ रेडी फॉर द करियर। करियर चॉइस सभी को बनानी ही होती है, आज नहीं तो कल, तो उसी में आपको मदद मिलेगी अगर आप ये सेशन देखेंगे, तो हमारे साथ रहिए और अपने घर के अंदर ही रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते।